फिर से बोला क्या बोले, क्या वीडियो बना रहे हो अकेले अकेले? और हमारे भैया जी भी बिजी। भैया जी गर्मी वगैरह कैसा है? बहुत भयंकर गर्मी है। गाइस लॉकडाउन के चलते इतना बोर हो रहा है और मुझे भी जरा बाहर जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाके देखते कि बाहर का माहौल कैसा है। वैसे भी मुझे लेना था, मेरा मेडिसिन घर के काफ़ी सारे छोटे छोटे सामान है वो भी मुझे लेने हैं, और मैंने सोचा क्यों ना जरा आप लोगों को मैं यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, कि अनलॉक वन में यहाँ का सिचुएशन कैसा है। और मैं उन कुछ कुछ चीज़ें में जो आप लोगों के साथ आज मैं बताने वाला हूँ, उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी लोग मोटरसाइकिल या स्कूटीज वगैरह चला रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हेलमेट जो है पहन के जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि आप मास्क तो पहन रहे हो बट आप लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हो। तो यार मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा ना कि प्लीज़ आप लोग हेलमेट ज़रूर पहनिए, क्योंकि हेलमेट जो है आपको एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन भी देगा, तो प्लीज़ हेलमेट ज़रूर पहनिए। तो फिलहाल चलो निकलते हैं बाहर, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा ज़रा देख लेते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। प्रोटेक्शन वगैरह हम जो है लेके ही जाएंगे, अपना हेलमेट हो गया, मास्क हो गया, सब हम पहन लेंगे। तो फिलहाल अभी पहन लेते हैं मास्क, फिर चलते हैं बाहर। सो गाइस यहाँ पर जो है मैं यूज़ करता हूँ बंडाना मास्क, क्योंकि पतला होता है इसलिए मैंने फिलहाल ये जो चीज़ है ये यूज़ किया। इसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे कैसे हम बनाएंगे। तो फिलहाल मास्क जो है बना लेते हैं। तो फिलहाल हमने अभी हमारा रुमाल को जो है हमने ऐसे खोला है, परफेक्टली हम फैला लेंगे, फिर एक थोड़ा सा फोल्ड जो है हम यहाँ से करेंगे और एक ऊपर से, ये हमने इतना फोल्ड किया, इसे एक और फोल्ड करके इसे हम कर देंगे हाफ, ये देखिए, और इसे भी मैं फोल्ड करके कर देता हूँ हाफ। तो ये अभी क्या हो गया, मोटा कपड़ा हो गया है, 4 लेयर अप्रोक्सीमेटली क्लोथ हो गया, तो इसे हम पहन लेते हैं अभी। गुड टू गो। अभी मैं खड़ा हूँ सेंट्रल पार्क में, मेडिसिन जो है हमारा जो है लेके हो गया है और ये मेडिसिन हमने जो है ले लिया है। तो काफ़ी दिनों से जो है बौड़दा के घर पे हम गए नहीं हैं, तो आज सोच रहे हैं पिछले उनके यहाँ जाए, जाके थोड़ा सा मिलते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते ही हम करेंगे और देखते हैं कि सबकी हाल चाल जो है कैसे हैं, एक बार जो उनसे मिलते आते हैं। गए हैं हमारे चचा के शॉप में और काफ़ी दिनों के बाद जो है आज आए हैं हम। गर्म इतना ज़्यादा है, अनबियरेबल हो रहा है, क्लाइमेट जो है पूरा ओवरकास्ट है, शायद बारिश गिर सकता है। तो फिलहाल जो है हम सामान लेते हैं, जाते हैं इसके बाद दादा के घर पे, ज़रा उनसे मिल के आते हैं। और हमारे भैया जी भी काम में बिजी, चचा भी जो है अंदर सामान लगाने में, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा गया है यहाँ पर। मैक्सिमम कल्याणी में जो है काफ़ी लोग जो है सोशल डिस्टेंस करके ही जो है अपना जो है बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा चीज़ है, अदर स्टेट्स को भी ये चीज़ को सीखना चाहिए। फिर से बोले क्या वीडियो बना रहे हो अकेले अकेले? और हमारे भैया जी भी बिजी। भैया जी गर्मी वगैरह कैसा है? बहुत भयंकर गर्मी है, गर्मी हो रहा है। अच्छा चाचा बोल रहे हैं कि यहाँ जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। हाल चाल वगैरह सब बढ़िया? सब चंगा है, सब मज़े में एकदम। बाकी सामान में दिक्कत वगैरह नहीं है ना? हाँ सामान सभी अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छा। हाँ चीज़ों का जो है प्राइस भी
कम हो गया है, और धीरे धीरे जो है अगर हम सब सचेतन अगर रहेंगे, धीरे धीरे जो है ये आपदा का जो समय है ये भी कट जाएगा और जितना जल्दी हो सके हम नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं फटाफट लेता हूँ सामान, क्योंकि हेलमेट पहना हुआ हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। जल्द से जल्द सामान लेते हैं और जाते हैं दादा के। हम खड़े हैं दादा के यहाँ पर, तो दादा भी अवेलेबल है नहीं फिलहाल। ये जो आप झाड़ जो देख रहे हो ना, तूफान के टाइम पे ये जो झाड़ है ये गिर गया। अप्रोक्सीमेटली काफ़ी पुराना ये झाड़ था, तूफान के वजह से गिर गया था, और यहाँ पर शायद कुछ ये पोजीशन भी गिर के वो अटक गया था। तो एनी हाउ सब सेफ है अभी। 2 hours later. रास्ते का काम जो है हमारे यहाँ पर शुरू हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा जो है क्लाइमेट है यहाँ। वेस्ट बंगाल में जैसे ही अनलॉक वन शुरू हो गया है, जितने भी लोग काम धंधे वाले हैं या जो भी लोग हैं ना यहाँ पर, उन्होंने काम वगैरह करना जो है वो शुरू कर दिया। रेगुलर बेस पे जो लाइफ चलती है वैसे ही ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है बस सर्विस जो है अभी तक प्राइवेट बस सर्विस यहाँ पर चलता है, तो प्राइवेट बस सर्विस अभी तक उतनी तरीके से अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे गवर्नमेंट जो भी ऑफिसेस है वहाँ पर कह दिया है कि 100% अटेंडेंस जो है देना है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर का जो है ट्रांसपोर्टेशन इतना प्रॉब्लम दे रहा है ना, इस वजह से जो पब्लिक जा नहीं पा रही है। सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे निकल के भी 12 बजे तक जो है वो ऑफिस पहुँच रही, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टेट में तो ये अभी तक खुला भी नहीं है, और देखते हैं कि कब तक ये सब चीज़ खुलता है। हम तो प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द ये चीज़ ख़त्म हो, जो भी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ताकि हम नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। सो गाइज, ये आप देख सकते हो जो हमारा कटहल था, अभी देखो कितना बड़ा हो गया है। पकने के लिए जो है हमने फिलहाल से रख दिया है, देखते हैं कि कब तक पके, पर गर्मी और ठंड के वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कटहल पे जो है वो क्रैक्स हो रहा है। अब इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके जो है मुझे ज़रूर बताइए कि रीज़न क्या है जो इतना कटहल जो है वो फट रहा है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये देखो ये फट रहा है। क्लाइमेट जो है एकदम टोटली चेंज हो गया है। थोड़ी देर पहले जो था ओवरकास्ट हो जाता था, फिलहाल तो जो है बारिश गिरने की जो है हल्की हल्की संभावना है। तो यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, काफ़ी सारी चीज़ों का ना जो है ध्यान रखना पड़ता है। और हम जो आज गए थे बाहर, ऐसा नहीं कि हम मस्ती करने या मौज मज़ा करने हम गए थे, फिलहाल हम गए थे कुछ काम था मेरा, जहाँ पर मेडिकल में मुझे मेडिसिन लेना था, प्लस ग्रॉसरी के कुछ कुछ चीज़ें थे, और प्लस एट द सेम टाइम काफ़ी दिनों से मैंने मेरे जो पहचान वाले हैं उनसे मिला नहीं था, बोल के मैं उनसे मिलने गया। बट काफ़ी सारे यूट्यूबर्स लोगों में देख रहा हूँ वो बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे ऐसे एरिया से वो बिलोंग करते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कोरोना के केसेस चल रहे हैं, संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है, फिर भी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और आप उनके अगर वीडियोस देखोगे तो बहुतों में ऐसे भी है कि वो मास्क निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलो। और ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगा, अभी बड़े इन्फ्लुएंसर को कुछ हम कह नहीं सकते, बट मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं किसी भी चीज़ को जो है प्रमोट नहीं कर रहा हूं। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम है तभी आप घर से बाहर निकलिए, नहीं तो कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने घर पे ही रहिए। इस
एक बार फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरा इम्पोर्टेंट काम था बोल के मैं बाहर निकला था। मैं किसी भी किस्म की चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि बेवजह आप बाहर ना निकलिए, ज़रूरत है तभी आप बाहर निकलिए। हम भी बाहर गए, अपना काम निपटाए, जिनसे मिलना था मिलके झटपट हम घर पे आ गए। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक दबा दीजिए, प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हो तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसे दबा दीजिए। उसके पास ही में एक बेल आइकन, उसे बिना भूले बजा दीजिए ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर, एंड स्टे होम स्टे सेफ।